अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। व्हाट इज बाईफेशियल सोलर पैनल या डबल ग्लास सोलर पैनल? डबल ग्लास का मतलब ये होता है कि सोलर पैनल जो है उसकी दोनों साइडों से बिजली पैदा करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है। बाईफेशियल का मतलब है कि जो सोलर सेल्स हैं ब्लैक कलर के जो आपने देखे होंगे सोलर सेल्स, वो दोनों साइडों से आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक साइड पे तो आपको पता है शीशा लगा होता है, दूसरी साइड के ऊपर ईवीए शीट लगी होती है। ईवीए शीट यानी बैक साइड पे व्हाइट कलर की जो शीट आपको नजर आती है, वो ऐसी शीट होती है जो वाटर प्रूफ होती है, जो पानी से उसको बचाती है कि ताकि उसके अंदर पानी लग के उसको वो जल ना जाए, ठीक है। उसके ऊपर भी शीशा चढ़ा देते हैं, यानी सोलर सेल उतने ही होते हैं, कुछ सोलर सेल डबल नहीं होते। ये अक्सर सोलर बेचने वाले लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करने के लिए, आपसे डबल कीमत चार्ज करने के लिए कहते हैं जी दो सोलर पैनल, दो मतलब सोलर पैनल लगे हुए जुड़े हुए। ऐसा नहीं होता, सोलर पैनल एक ही होता है, एक ही सोलर सेल होता है, उसकी एक साइड के ऊपर इधर शीशा लगा हुआ था, अब उन्होंने इधर भी लगा दिया, यानी दो दो साइडों में शीशा लगा दिया, ग्लास मतलब उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास है ना वो लगा दिया उन्होंने। अब इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 10% ज्यादा होती है, क्योंकि जाहिर है शीशे की कॉस्ट है, शीशा जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया उसकी कॉस्ट है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 25 से 30% ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सनलाइट जो सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ रही है वो भी बिजली बना रही है, और जो नीचे से पड़ रही है उसकी भी बिजली बना रही है। नीचे आपको करना ये पड़ता है कि व्हाइट कलर का वेदर शील्ड पेंट आपने छत की दीवारों के ऊपर, छत की ऊपर वाली साइड पे आपने वेदर शील्ड व्हाइट कलर का करवाना है, जैसे हीट प्रूफिंग वाले नहीं करते, हीट प्रूफिंग वाले उसको करवा लें, या वाटर प्रूफिंग वाले जो आपको अखबार में एड्स आती है या आप नेट पे देखते हैं, वाटर प्रूफिंग वाले जो बंदे होते हैं ना जो हीट प्रूफिंग का काम करते हैं, उससे एक तो छत आपकी ठंडी हो जाएगी, यानी उससे सनलाइट नीचे नहीं जाएगी और आपका नीचे वाला कमरा ठंडा हो जाएगा। दूसरा आपका फायदा यह है कि सोलर पैनल के ऊपर जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर भी सनलाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होके आएगी, यानी ये पहले सूर्य की रोशनी उस छत पे पड़ेगी, छत से रिफ्लेक्ट होके उसके ऊपर पड़ेगी, तो इससे आपकी 30% बिजली मजीद बन जाएगी। यानी वैसे अगर आपके सोलर पैनल थे ना और उससे बिजली बननी थी 10,000 यूनिट महीने के, मिसाल के तौर पर 10,000 की बजाय वो 13,000 यूनिट बन रहे होंगे, तो ये आपको एडवांटेज है, फ्री में एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी। सिर्फ 10% आपका खर्चा एक्स्ट्रा होगा, 10% खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर है सोलर पैनल 10% महंगे, आम सोलर पैनल अगर 55,000 का एक पैनल मिल रहा है तो ये आपको 60 का मिल जाएगा, सिर्फ 5,000 का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग रन में फायदा है आपको बिजली ज्यादा पैदा करके देगा, ठीक है जी। फ्रंट और बैक दोनों साइडों से बिजली पैदा होती है, एफिशिएंसी मैंने आपको जैसे बताया 30% है। इसका सिर्फ एक नुकसान है, वो ये नुकसान है कि अगर इसके ऊपर डस्ट जम जाती है नीचे से भी ऊपर से भी, नीचे वाली साइड से तो आप कपड़े से साफ कर लेंगे, ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं से कोई कपड़े के जरिए से या किसी ब्रश के जरिए से साफ उसको करना पड़ेगा, दोनों साइडों से आपको क्लीन रखना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा। और दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि उसके नीचे जो आपने वेदर शील्ड जो छत के ऊपर आपने लगानी है, यानी कि हीट प्रूफिंग केमिकल या वाटर प्रूफिंग केमिकल व्हाइट कलर का, वो अगर लगवाना है तो वो 2 से 3 साल बाद खराब हो जाता है, 2 से 3 साल बाद आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा। सिर्फ ये थोड़े से खर्चे हैं, अदरवाइज बाईफेशियल जो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है उससे बहुत फायदा हो रहा है। अगर आप 600 वाट के पैनल लगवाते हैं या 700 वाट के पैनल लगवाते हैं और बाईफेशियल लगवाते हैं तो आपको महीने की अच्छी खासी बचत होगी, और हो सकता है 2.5 साल के अंदर अंदर ही आपके पूरे पैसे जो आपने लगाए थे सोलर पैनल्स के ऊपर वो सारे पैसे आपको पूरे वापस आ जाए, और अगला जो आपका 22 से 25 साल का टाइम है वो आपको फ्री में बिजली मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।